So, आज मैं अपने फोन से शूट कर रही हूँ बिकॉज कैमरे में बैटरी नहीं है. तो अभी मैं स्टूडियो आई हुई हूँ. फिलहाल अभी बज रहे हैं 12:15 एंड आई हैव टू पैक ऑर्डर्स. और अभी मैंने बाल नहीं धो रखे हैं तो मुझे बाल धोने हैं. फिर उसके बाद हमें एक वीडियो भी शूट करनी है एंड आई हैव सो मच ऑफ वर्क टू डू. तो सबसे पहले हम ऑर्डर्स पैक करेंगे. तो अभी दिन निकला है एंड 12 बजे हैं. सर्दियों में यार इतना लाइक लेट हो जाता है ना उठने में और काम वाम करने में. आई जस्ट फील सो बैड इन विंटर्स के क्योंकि पड़े रहने का बिल्कुल मन करता रहता है. एंड आज का व्लॉग इसलिए मैं लेट स्टार्ट कर रही हूँ. एंड आज के व्लॉग में आई एम गोना शो यू गाइज लाइक मैं क्या क्या करती हूँ एज अ बिजनेस वूमन. तो बहुत सारे लोगों को अभी भी जानना था कि मैं कैसे पैक कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ. चिड़िया भी अभी बोलेंगी. सो या आई एम गोना शेयर दैट. एंड ब्रेकफास्ट वगैरह मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वो सब मैं नहीं इनकॉर्पोरेट करने वाली हूँ. बट अभी हम फटाफट से पैक कर लेते हैं ऑर्डर्स बिकॉज 1:30 बजे के करीब डिलीवरी वाला आने वाला है तो वो लेकर जाएगा सारे. एंड प्रॉबली अगर सारे ऑर्डर्स पैक हो गए, जो कि मुझे नहीं लगता है होंगे, बट अगर वो पैक हो गए तो मैं फिर घर पे ही लेके चली जाऊंगी उन्हें और वहीं से रवाना कर दूंगी उन्हें अपने नए घरों की तरफ. बट या लेट्स सी कि क्या होता है, कैसे होता है. सो आई एम फाइनली रेडी. बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो वी आर जस्ट गोइंग टू इग्नोर. एंड थोड़ी सी एको भी आएगी ऑब्वियसली बिकॉज आई एम इन माई स्टूडियो जहाँ पे बिल्कुल भी फर्नीचर नहीं है एंड मेरी आवाज भी खराब हो रही है. ओके, मुझे कोल्ड हो रहा था तो इस वजह से मेरी आवाज बहुत अजीब लग रही होगी. आई नो बहुत भर भर करके आ रही है बट आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट. नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर पैकिंग. मुझे टाइम भी नहीं पता है अभी क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है मैं बहुत जल्दी करना है क्योंकि 1 बजे तक पैकिंग वाला आ जाएगा, लाइक कोरियर वाला आ जाएगा लड़का. उसे चाहिए होंगे सारे कोरियर्स एंड आई डोंट वांट टू डिले दीज ऑर्डर्स क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुके हैं. क्योंकि मैं बीमार हो गई थी तो इस वजह से मैं कोई भी पार्सल वगैरह डिस्पैच नहीं कर पाई. बट नाउ आई रियली वांट टू डिस्पैच देम एज सून एज पॉसिबल. सो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप पैकिंग स्लिप्स कैसे बनाते हो, लाइक दीज टाइप ऑफ पैकिंग स्लिप्स. तो ये मैं क्या करती हूँ, A4 शीट पर ऐसे मैं इन्हें प्रिंट करवाती हूँ, फिर मैं इन्हें ऐसे कट करती हूँ और फिर मैं इन्हें पेस्ट कर देती हूँ. अगर आप डिलीवरी से करवा रहे हो तो आपको ऐसी पैकिंग स्लिप्स मिलती है, बस आपको उन्हें प्रिंट करना होता है एंड दैट्स इट. आप लेबल प्रिंटर जो होता है वो भी लगा सकते हो, लाइक वो स्टिकर की तरह निकलता है बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. तो अभी मैं ऐसे ही काट पीट के काम चला रही हूँ. सो फर्स्ट हमारा ऑर्डर है सृजा का. मैं यहाँ पे ना ये शीन का नॉस्टैल्जिया तो मैंने सारे ऑर्डर्स इसमें डाल रखे हैं. मैं घर से लेकर आई थी सारी स्क्रंचीज एंड मैं ये वाली शीट बिछा रही हूँ नीचे ताकि ये गंदी ना हो. सो शी ऑर्डर्ड जिमिन रेगुलर, जे होप मिनी, एबनी रेगुलर एंड जिन रेगुलर. ये वाला कलर मुझे इतना प्यारा लगता है, लाइक इट्स लाइक स्नो व्हाइट सिंड्रेला काइंड ऑफ अ कलर, इट्स सो प्रिटी. सो हम ये वाली चारों पैक करेंगे बट इनसे पहले हमें इनकी क्यूसी करनी होती है, यानी कि कोई भी थ्रेड वगैरह ना निकल रहा हो, कहीं से कुछ ओपन ना हो ताकि वहां पे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो. सो आई जस्ट डू दैट क्विकली. एंड अगर कोई भी लूज थ्रेड होता है तो मैं बस उसे कट कर देती हूँ. इस स्टेप में बहुत टाइम लगता है, लाइक पैकिंग में सबसे ज्यादा लंबा जो स्टेप होता है ना वो ये होता है क्योंकि एक तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है ताकि कुछ भी रह ना जाए एंड ऑल्सो बड़ी मेहनत लगती है, बट एंड रिजल्ट जो होता है वो अच्छा आ जाता है. सो इट्स ऑल वर्थ इट. टेक दिस शीट, ये वाली अमेजोन से मैंने ली थी तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. ये वाली शीट मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है एंड मैं बस इसे हाफ में कट करती हूँ ताकि हमारे पास दो शीट्स आ जाएं तो हम दूसरे वाले में भी यूज कर सकते हैं. एंड आई एम गोना प्लेस दीज लाइक दिस. तो मुझे ये कॉम्बिनेशन ये तो एक्चुअली में बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक यू कैन ऑल्सो सेल दिस एज अ कॉम्बो, लाइक इट लुक्स सो नाइस. एंड देन टू टॉप इट ऑफ चेरी ऑन द केक. अब हम इसे रख देंगे नीचे एंड वी आर जस्ट गोइंग टू पैक. तो मैं इसे उल्टा करके रखती हूँ. जब आप ऑर्डर खोलोगे ना तो आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों करती हूँ, ताकि ऊपर से बिल्कुल एकदम सीमलेस एफर्ट टाइप का आपको लगे एंड इट जस्ट लुक्स रियली नाइस. अब हम लेने वाले हैं अपना बॉक्स. पहले मुझे एक बॉक्स बनाने में इतना टाइम लगता था, अब तो फिर भी लाइक स्पीड काफी अच्छी हो गई है. नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस आवर थैंक यू कार्ड एंड सम स्टिकर्स. तो हम लेने वाले हैं ये वाला स्टिकर बिकॉज उन्होंने काफी सारी पर्पल कलर के लिए है तो हम एक BTS का डाल रहे हैं. एक हम डालेंगे मेक योर सेल्फ प्राउड बिकॉज शी डिजर्व इट दिस वन. एंड एक और स्टिकर डाल देते हैं विच इज टेक अ चिल पिल. ये वाला स्टिकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक
इट्स सो मी. हम लेने वाले हैं ये तीनों स्टिकर्स, हमारा बिजनेस कार्ड, और हम उसे इस प्लास्टिक बैग में डालने वाले हैं. ये भी मैंने अमेजोन से लिया है. सो इफ यू थिंक कि आपको यू नो होलसेल मार्केट जाना पड़ेगा, इधर उधर भटकना पड़ेगा, आप सब चीज अब ऑनलाइन कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर देम. एंड वी आर गोना प्लेस आवर स्टिकर्स इनसाइड दिस. एक ऑर्डर पैक हो गया है एंड इट टुक मी 9 मिनट्स टू पैक दिस. और अभी तो इस पे लेबल लगाना बचा है, तो हम वो भी अभी कर लेंगे. एंड वी आर गोइंग टू प्लेस अ स्टिकर ताकि अच्छे से अपनी पोजीशन पर रहे और बाद में हमें टेप करने में भी इजी हो. एंड ऑल्सो हम स्टिकर वैसे भी लगा के ही भेजते हैं, तो इट जस्ट फील्स अ लॉट इजियर टू डू दिस वे रादर देन स्टिकिंग इट आफ्टरवर्ड्स. एंड इट लुक्स लाइक दिस. अब हम इस पर टेप लगा देंगे और फिर मैं आपको टोटल टाइम बताऊंगी लाइक कितना मुझे लगा. एंड यूजुअली इससे 1 मिनट लाइक फालतू ही लगता है क्योंकि अभी तो मैंने प्रिपेयर करके भी रख रखा था सारा सामान, तो जल्दी हो गया. Now I'm gonna place scrunchie tip का sticker on top of this. I know बहुत ज्यादा तुम्हें लगता होगा कि यार ये तो बहुत like महंगा पड़ता होगा इतने सारे stickers लगाना और ये वो, but it is totally worth it क्योंकि जब तक आपकी ब्रांड नहीं होगी आपके पैकेज पे तो इट डजंट मीन एनीथिंग. मतलब मुझे काफी अच्छा लगता है स्टिकर्स लगाना. एंड ऑनेस्टली ऐसा अगर पैकेट आएगा, सुंदर सुंदर स्टिकर्स होंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पैकेज ऐसा रिसीव करना. इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पैकेज पे भी ये सब लगा कर भेजूँ ताकि एक यूजर एक्सपीरियंस अच्छा. सो आर फर्स्ट ऑर्डर इज पैक. नाउ वी हैव टू पैक अ होलसेल ऑर्डर. सो उसके लिए हम गोना यूज द शीन का बैग और उससे फिर हम एक मेलर में डाल देंगे. सो दिस पर्सन ऑर्डर्ड 50 स्क्रंचीज. सो आई एम जस्ट गोना काउंट देम और फिर मैं उनकी इलास्टिक चेक करती हूँ. और मुझे अभी भी ध्यान आया है दिस पर्सन ऑल्सो आस्क्ड कि मैं उनकी पैकेजिंग की रील बनाऊं. तो आई एम जस्ट गोना प्लेस दिस असाइड और हमें बाद में पैक करेंगे जब सारे ऑर्डर्स पैक हो जाएंगे बिकॉज पैकिंग में रील शूट करने में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा टाइम लगता है. एंड आई रियली वॉन्ट के फटाफट से मैं सारे ऑर्डर्स वगैरह पैक कर दूं, उसके बाद हम रील बनाएंगे. तो द नेक्स्ट ऑर्डर इज फॉर रेशमा. शी ऑर्डर्ड अ गोल्डन स्क्रंची. ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, मैंने बस ऐसी वेबसाइट पे डाल दिया था, बस नाम डाला था. एंड टू माई सरप्राइज शी ऑर्डर्ड वन एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो या गोल्डन वन ज्योमेट्रिक रेगुलर विच इज दिस एंड वन इंडिगो विच इज दिस. सो लेट्स पैक दिस. और मुझे ये ऑर्डर सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है बिकॉज जाइंट रेगुलर एंड मिनी आपको तीनों साइजेस मिल जाते हैं, तो बड़ा सही तरीके से ऑर्डर किया गया है ये. इट लुक्स लाइक अ पिरामिड. सारे के सारे ऑर्डर्स पैक हो गए हैं. सो अभी हो रहे हैं 1:45 एंड मैंने सारे ऑर्डर्स पैक कर लिए हैं. आई एम लाइक सुपर हैप्पी. एक ऑर्डर बचा है लेकिन उसकी जो स्क्रंची है वो घर पे पड़ी हुई है, तो वो मैं घर पे जाके करूंगी पैक. एंड प्रोबेबली लाइक होपफुली मैं 3 बजे तक यहाँ पर वापस आ जाऊंगी ताकि मैं वो वीडियो मैं शूट कर पाऊँ. आई हैव टू शूट दैट वीडियो क्योंकि अगर वो आज शूट नहीं हुई तो कल अपलोड नहीं हो पाएगी. एंड आई हैव टू अपलोड इट ऑन 21st बिकॉज इट्स लाइक अ कोलैबोरेशन वीडियो, तो वो मेरे को शूट करनी ही करनी है. तो मैं फटाफट से जाती हूँ नहा धो के, प्रॉब्ली लंच भी कर लूंगी मैं बिकॉज भूख तो लग रही है. अब 3 बजने वाले हैं, पेट में कुछ गया नहीं है. सो या लेट्स गो. सारे के सारे ले लेती हूँ मैं पार्सल्स एंड उसके बाद हम जाते हैं घर. अरे खोलो भाई, देख के बंद कर दिया. हेलो हेलो, जल्दी आ अंदर. आई एम फाइनली डन विद माई हेयर वॉश एंड दिस इज द आउटफिट. आई एम गोना वेयर दिस टॉप क्योंकि मुझे आज नेल्स से अपने मैच करना था. एंड आई हैव ब्लू नेल्स, वो मैं बाद में दिखाऊंगी जब मैं लगा रही होंगी. एंड आई एम वेयरिंग ब्लैक मैडिश जीन्स. दीज आर द जीन्स दैट आई लिव इन. एक मेरे पास इसमें सेम ब्लू है, सेम व्हाइट है और मैंने एक ब्लैक वाली ली है. इट लुक्स सो नाइस, लेट मी जस्ट शो यू. ये इसे हटा देना मेरे जूड़े को. बाकी तो मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ एंड देन आई विल मीट यू गाइस. सो ये रहा हमारा आज का लंच. हम खा रहे हैं उड़द की दाल
एंड रोटी एंड अब इसमें मैजिकली आएगी चटनी। सो आई एम डन विद माई लंच एंड एकदम ऐसे ना पेट बिल्कुल भर गया मेरा, इतना सही खाना बनाता। एंड नाउ इज द टाइम फॉर आर बॉडी केयर। स्किन केयर मैंने कुछ ज्यादा खास कर नहीं रही, बस मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है एंड दैट्स इट। फेस वॉश मैंने नहाते वक्त ही कर लिया था एंड आई डोंट वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स क्योंकि अभी शूट करने में मेरे को मेकअप शूट करना है, तो कोई फायदा नहीं होगा स्किन केयर का क्योंकि मुझे इवेंचुअली धोना ही पड़ेगा फेस। सो लेट मी शो यू व्हाट आई हैव रिसीव्ड रिसेंटली फ्रॉम मामा अर्थ। सो मामा अर्थ ने मुझे अभी रिसेंटली उनके 3 वेरिएंट्स भेजे थे नरिशिंग कोल्ड क्रीम के एंड आई हैव सम थॉट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिसीव्ड उबटन कोको एंड वाइटामिन सी वाला। वाइटामिन सी वाला अभी मैंने खोल के नहीं देखा है, बट कोको और उबटन तो हम मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से लगा रहे हैं। उबटन वाला मम्मी पापा लगाते हैं और कोको वाला मैं लगा रही हूँ क्योंकि कोको वाले की जो फ्रेग्रेंस है दैट इज लाइक कम्प्लीटली डार्क चॉकलेट वाली और मुझे इतनी सही लगती है वो, तो मैं तो यही वाला लगाती हूँ एंड आज भी हम यही वाला लगाने वाले हैं। आई लव द पैकेजिंग बाय द वे एंड ऑल्सो ऑल दिस पैकेजिंग इज प्लास्टिक पॉजिटिव, यानी कि दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे एक्चुअली यूज। सो दिस इज सो थिक, लाइक लुक एट द कंसिस्टेंसी, इट्स वेरी थिक। और जब आप बॉडी पे लगाते हो ना तो ये इतना थिक लगता नहीं है, लगाने में थिक लगता है लेकिन ऐसा हो जाए चिपचिप वाला जो मॉइस्चराइजर होता है वो नहीं लगता। सो मैं बस एल्बोज तक लगाने वाली हूँ इसे। सो मैं बहुत ही अच्छे अमाउंट लेती हूँ इतने से पोर्शन पे लगाने के लिए भी एंड जस्ट स्प्रेड सो नाइसली, मुझे बहुत ही सही लगा। यूजुअली मैं रात को लगा के सोती थी क्योंकि मैं नहाती इसी टाइम पे 3-4 बजे के करीब, तो मैं अपना रात को लगा के सोती थी एंड दिन में इतनी ज्यादा सॉफ्ट रहती थी ना मेरी पूरी लाइक बॉडी, बहुत ही सही लगता है। और मुझे ऐसे देखने में भी ना ऐसा लगता है ये वाला बड़ा ऐसे ड्राई ड्राई और ये एकदम मॉइस्चराइज एंड बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। मैंने यहाँ पे उबटन नहीं लगा रखा है एंड बिल्कुल सेम फील आ रही है मेरे हाथों पे। इनकी जो उबटन वाली रेंज है ना उसकी तो सारी फ्रेग्रेंस लाइक सेम ही होती है, अगर आपने उबटन फेस वॉश यूज करा है, मास्क यूज करा है, इट्स एग्जैक्टली द सेम एंड दैट इज द थिंग दैट अ ब्रांड शुड कीप इन माइंड के वो अगर पूरी रेंज निकाल रहा है तो फ्रेग्रेंस जो है वो बिल्कुल सेट होनी चाहिए, एकदम सेम होनी चाहिए। एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम मामर्थ तो मामर्थ की वेबसाइट पे ये वाला कोड चल जाता है मेरा, वाइज आप Amazon वगैरह से भी ले सकते हो। आई विल लीव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, तो वो चेकआउट करना भी मत भूलना। ऑल्सो ऑल मामर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड दे आर ऑल नेचुरल एंड मामर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, सो यूजर्स कैन गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। फाइनली आई एम हेयर इन द स्टूडियो। पीछे मैंने लाइट्स वगैरह ऑन कर दिया और मैं बस अपने बाल ठीक कर लूँ। बाल धोने के बाद ना बहुत ज़्यादा ही सिल्की हो जाता है, लाइक लुक एट दिस, ये मतलब पीछे रहते नहीं हैं तो मुझे थोड़ी इरिटेशन हो जाती है, बट इट्स ओके, बाल तो धोने ही थे। एंड मैं वीडियो बनाने वाली हूँ फटाफट से क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। लेट मी जस्ट शो यू द टाइम, 4:25 हो रहा है। मैं 4 बजे यहाँ पर आ गई थी, मतलब 4 बजे मैं घर से निकली थी और मैं स्कूटी लेकर आई तो अच्छा रहा क्योंकि पैदल आने में ना 5 मिनट जाते हैं और स्कूटी से 2 मिनट, तो मेरे 3 मिनट सेव हो गए। आई एम जस्ट गोइंग टू वेयर दिस हेयर क्लिप। By the way, scrunchie tub पे हेयर क्लिप और एक्सेसरीज आने वाले हैं, तो आज जो मैं एक्सेसरी पहनने वाली हूँ वो भी मैं मतलब scrunchie tub की है जो कि मेरे को मिल नहीं रही है। सो दिस इज द लॉकेट दैट आई एम गोइंग टू वेयर। अपनी ब्रांड का सामान पहनने का ना ऐसे बात ही कुछ और होती है। सो दिस इज द लॉकेट दैट आई एम गोइंग टू वेयर, ब्लू ब्लू के साथ मैच हो जाएगा। ये पर्पल कोट तो अभी मैं उतार दूंगी। आई जस्ट लव दिस सो मच, कितना ही खूबसूरत है। और ये 1 फेब को लॉन्च होगा, आई डोंट नो कि ये वाली वीडियो कब जाएगी बट पहले ही जाएगी 1 फेब से। तो या I'm just going to wear this now. मुझे खुद से लॉकेट वगैरह पहनने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मैं हमेशा ऐसा होता है कि मैं उल्टे पहन लेती हूँ, बट अब मैं थोड़ा सीख गई हूँ कॉन्टेंट क्रिएशन के फायदे। सबसे लास्ट वाले में डालती हूँ मैं हमेशा। ओ इट्स लुकिंग सो क्यूट, दिख भी नहीं रहा ये तो उल्टा था। नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं नेल्स लगाऊं या नहीं लगाऊं क्योंकि लेट तो मैं बहुत हो चुकी हूँ, वो लगा ही लेते हैं, मतलब क्या ही हो जाएगा। सो ये मुझे आया था पीआर पैकेज फ्रॉम नेल होलिक स्टूडियो, लव योर नेल्स अ लिटिल एक्स्ट्रा एंड लुक एट द पैकेजिंग, लाइक इट्स सो एक्स्ट्रा। ये उन्होंने मुझे अपना पूरा लाइक विजिटिंग कार्ड टाइप का कुछ भेजा है एंड इसके पीछे पूरे इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं जो कि मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ बिकॉज आई एम फेमिलियर विद प्रेस ऑन नेल्स एंड एवरीथिंग। एंड ये बहुत छोटा सा क्यूट सा नोट भी आया था, सो डियर दीपांशी होप यू आर डूइंग वेल, सेंडिंग हैंड कस्टम नेल्स फॉर यू
you. Hoping you will love them. Thank you for trusting and helping us to grow. Love from Dips. So, मेरा actual में name Dipanshi है and my friends call me Deeps. So, ये है Dips. I am Deeps. So, इसके साथ साथ आपको मिलता है वो acetone वाले जो दो swabs आते हैं वो एक cuticle pusher, एक nail filer type का ताकि आप अच्छे से stick कर पाओ. मैं वो भी use नहीं करती हूँ और ये एक इन्होंने glue sheet भेजी थी. ये मेरे पास इतनी सारी पड़ी हुई है ना क्योंकि मैं बहुत frequently use करती हूँ press on nails. Frequently तो नहीं कहूंगी बट हाँ मैं काफी ज्यादा यूज करती हूँ प्रेस ऑन नेल्स और मैं ग्लू की जगह ये ग्लू वाले स्टिकर्स यूज करती हूँ ताकि आराम से निकल पाए. 3-4 घंटे का काम होता है एंड दीज सफाइस माय नीड्स एंड नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ द नेल्स. क्योंकि मैंने सब ब्लू ब्लू पहना है तो आई वांटेड माय नेल्स टू बी ब्लू एंड लुक एट देम. ये कितने ज्यादा प्रिटी लाइक लुक एट माय नेल्स and then look at these, they look so so nice. To be very honest, when I was selecting the like design, तो मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं गया था कि design आप select कर सकते हैं कि नहीं, but मैंने अपना design खुद से भेज दिया था and I was not expecting this finishing at all. मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है ना, like it's so so pretty. I just love them and now let me just wear them. तो मैंने already like nails पे ना ये sticker sheet लगा रखी है. If you guys can see, तो ये बस मुझे इसे यहाँ से हटाना है जो इसके पीछे like sticker paper होता है, I don't know क्या बोलते हैं, और ये मैं लगा लूंगी अपने nails पे and just press them क्योंकि मुझे makeup video shoot करनी है and I really don't want के makeup brush वगैरह पकड़ के मेरे ऐसे नेल्स जो है वो हट जाए. यार ये कितने सुंदर लग रहे हैं. थोड़ी सी अगर इनकी हाइट छोटी होती ना लाइक और कम होती तो और ज्यादा अच्छा लगते. तो बाकी भी हम लगा लेते हैं. एंड एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आप जिस ऑर्डर में लगाओ लाइक ये जो होता है ना वो ऑलरेडी आपके ऑर्डर में आते हैं, आपके फिंगर नेल्स के हिसाब से आपकी मेजरमेंट लेके बनते हैं तो बहुत अच्छे से फिट होते हैं सबका. लाइक ऑब्वियसली सबकी फिंगर्स अलग है तो सबका मेजरमेंट्स भी अलग अलग होती हैं. ऐसे मत करना कि इधर का नाखून उधर लगा लिया, वो बहुत अजीब लगेगा. दिस इज लुकिंग सो प्रिटी. मैं फटाफट से ये लगा लेती हूँ. दे आर लुकिंग वेरी प्रिटी. ओह माय गॉड, दीज आर द नेल्स. दिस इज माय एक्सेसरी एंड दिस इज माय टॉप एंड नाउ आई एम रेडी टू फाइनली शूट द वीडियो. कितने बज रहे हैं? सो 4:40 हो गए हैं. आई थिंक कि मुझे कम से कम एक सवा घंटा तो लगेगा अभी शूट करने में, तो वो करते हैं. एंड ये वाली वीडियो तो आपने ऑलरेडी देख ली होगी जो मैं अब शूट करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी आई बटन में. मेरे पॉइंटी फिंगर्स से देखो आई बटन में. एंड या आई मीट यू गाइज आफ्टर आई शूट द वीडियो. लुकिंग सो सो प्रिटी. चलो ठीक है, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ. आधा मेकअप करके बैठी हूँ मैं. मैंने लिपस्टिक भी लगा रखी है एंड आई एम लुकिंग सो अजीब राइट नाउ. एक आंख में मस्कारा नहीं है, एक आंख में मस्कारा है बिकॉज जो बैटरी है कैमरे की वो खत्म हो गई थी एंड फिर मैंने उसे चार्ज पे लगा दिया. मैं लाइव भी आ गई आईजी पे एंड इट्स करेंटली 6:27. तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी चार्ज वो हो गई होगी तो मैं फटाफट से ये कर लूं क्योंकि 7 बजने वाले हैं. यार मेरे को भूख लग रही है दोबारा से एंड आई जस्ट डोंट वॉन्ट के मुझे डांट पड़े क्योंकि घर पे जाके डांट पड़ने वाली है. मैं कहकर आई थी कि मैं 5:30 तक आ जाऊंगी और अभी 6:30 बज रहे हैं. हे भगवान, मुझे फटाफट से करना चाहिए. 6:51 हो गए हैं और मेरी वीडियो शूट हो गई है. मैंने थंबनेल के लिए भी लाइक वीडियो शूट कर ली है तो बस मैं अभी ऐसे ही छोड़ रही हूँ ये सारा सामान. कल आकर देखेंगे कि क्या कैसे ठीक करना है, साफ सफाई करनी है, बट कल करेंगे. अभी तो फटाफट से लाइट्स ऑफ करो एंड भागो. मैं बस एक बार चेक कर रही हूँ कि मुझे कुछ लेना तो नहीं है इस पूरे मेस में से एंड आई डोंट थिंक मुझे मेरा कोम रह गया था. कल आके मैं साफ करूंगी इसे. कल भी हम व्लॉग बना सकते हैं एक इसका लाइक क्लीनिंग माय रूम स्लैश स्टूडियो स्लैश एवरीथिंग. एक तो ना बाहर बिल्कुल भी लाइट नहीं होती है तो इस वजह से भी मुझे काफी ज्यादा लाइक अजीब सा लगता है यहाँ पे रात में रुकना बिकॉज देयर इज लेजिट नो लाइट. सो या नाउ वी विल जस्ट गो. हेलो, डर गया भाई. मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है भाई? डराऊं से डराऊं बट ये कुछ कर नहीं रहा. अब क्यों हिला रहा है? अरे 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 मेरा प्यार. I have finally reached my destination for today.
सो मैं घर आ चुकी हूँ, डिनर कर चुकी हूँ, आराम कर चुकी हूँ, धड़कन मूवी देख चुकी हूँ जो कि हमने पहले नहीं देखी थी बट अब लगा रखी थी तो हमने देख ली। एंड अभी बज रहे हैं 9:25 और खुशी जैन की है एक स्पेशल डिमांड। खुशी जैन मुझे पाते हुए अपना बता फटाफट लगाओ, पहले बता तेल लगवाना, ढंग से बोल। हेलो गाइस, हेलो गाइस, तेल लगवाना। सो गाइस, आज हम आपको सिखाएंगे कि तेल कैसे लगाते हैं बालों में। सबसे पहले चश्मा लेंगे क्योंकि ये अंधे हैं। अब आपको दिख रहा है? हेलो गाइस, दिख रहा है? शुरू करते हैं, नीचे बैठ। फिर हम ऐसे तैयार होंगे, अरे कहाँ है, फिर हम ऐसे तैयार होंगे, अपने बाल बाल संवारेंगे एकदम मस्त और ऐसे पसर के बैठ जाएंगे और पहले ही बाल टूट चुके, वाह। सो सबसे पहले हमें लेना होता है एक सर। सर आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं, मैं यहाँ पे काले बालों वाला सर ले रही हूँ जिसमें बीच की मांग निकली हुई हो और एकदम गोल तरह का सर है। फिर हम लेंगे एक लिक्विड तेल, क्योंकि पहले ये सेमी सॉलिड था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। फिर हम इसे लेके ऐसे डालेंगे, आप कितना भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, थोड़ा ज्यादा भी डल सकता है। फिर हम लेकर इन्हीं केश से इसमें क्या बोलते हैं, नहीं स्प्रेड ऐसे कर लेंगे और बस हम इसे ऐसे ऐसे करते रहेंगे जब तक ये बोर ना हो जाए या फिर जब तक ये ऐसे नाराज ना हो जाए। और जो सर है वो अपने आप इधर उधर मूव करता रहेगा, तो बस आपको ऐसे ऐसे करना है। ये देखिए, अब आप ऐसे ऐसे ही करते रहिए, हो गई मालिश, डन। अब हमें इसे ढंग से भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये लड़की बहुत काम करवाती है, एडिट आजकल यही कर। सो खुशी जैन के बालों में तेल लगा दिया है मैंने, एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड कर देती हूँ क्योंकि अभी मुझे एडिट करनी है वीडियो एंड वो कल जानी है जो आज मैं शूट कर रही थी, वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल स्विस ब्यूटी का, वो मैं आई बटन में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ है लिंक, तो वो चेकआउट कर लेना अगर आपको देखनी है वीडियो। एंड थोड़ा बहुत ऐसे मुझे स्क्रंची टप वाला काम है, लेकिन एडमिन वाला टाइप का काम है, मतलब जो लैपटॉप से होना है, तो उसमें मैं क्या ही दिखाऊंगी, ना मुझे कुछ पैक करना है ना मुझे फैब्रिक काटना है, फैब्रिक मैं कल सुबह काटूंगी। So yeah, I am ending this video right here. I hope कि आपको ये छोटा सा vlog पसंद आया हो and this is like what a typical day looks like for me nowadays. I hope कि आपको मजा आया हो इसे देखकर. Also let me know in the comment section down below कि मैं ऐसे वाले vlogs continue करूँ या ना करूँ. कुछ मतलब specifically मैं content इसमें डाल नहीं रही हूँ, this is like my life. तो let me know कि आपको ये पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तभी मैं continue करूँगी, otherwise I'll just discontinue these type of vlogs. बाकी अलग अलग तरह के vlogs आते रहेंगे, कुछ specific occasion वाले, but ये boring daily routine वाले vlogs मैं नहीं डालूंगी अगर आपको boring लग रहा है तो। And also don't forget to subscribe my channel, like this video and share this video if you enjoyed it with your friends and family, and I will be meeting you guys in an amazing video. In an amazing video से मिलो, flow तो तोड़ दिया, in amazing video से soon, तब तक के लिए stay safe, stay home, I love you awesome, bye. अभी एक सेकंड, मेरे को खुशी ने टोक दिया बीच में, तो वो अपना आउट्रो दे रही थी मतलब मेरी वीडियो का, तो मैंने सोचा कि लिपसिंग अब वो करेगी आउट्रो की। सो या सो विद दैट कर गया, टेक टू, ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। सो विद दैट आई एंड दिस वीडियो राइट हियर, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। इतना आसान नहीं है आउट्रो, इंट्रो दियो, चल लिपसिंग कर रही हूँ मैं, इंट्रो दे। Hey Miss Anjali and welcome to my beehive. So with that, I end this video right here. If you like this video, then subscribe to my channel. Subscribe to my channel Chilvi and like this video and share this video with your friends and family. I'll see you soon in an amazing video super soon. कुछ कहना चाहेंगे आप अपने ऑस्कर परफॉर्मेंस के लिए, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो आपने करी है, इतनी सड़ी हुई। ओके, गुड नाइट गाइज, गाइज गुड नाइट, गाइज गुड नाइट। तन्मय बट है क्या?